हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे शरीर के अंदर जब यूरिन एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है तो उसकी वजह से हमारे शरीर को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यूरिन एसिड हमारे शरीर के अंदर ही बनने वाला एक ऐसा एसिड है जिसके माध्यम से हमारी किडनी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। अगर यूरिन एसिड की मात्रा हमारे शरीर के अंदर संतुलित रहती है तो ये हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए काफ़ी ऊर्जा देता है। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर यूरिन एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमें मूत्र संक्रमण हो सकता है, बार बार बाथरूम जाना या फिर बाथरूम करते समय बहुत ज्यादा जलन का एहसास होना, ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ घटित होने लगती हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में, कुछ ऐसे खाने की चीजों के बारे में जिनका सेवन अगर आप जरूरत से ज्यादा करते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर यूरिन एसिड की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। दोस्तों, सबसे पहला आहार है पशु मांस यानी कि बीफ। इसे रेड कलर का मांस भी कहा जाता है। मार्केट के अंदर ये इजीली अवेलेबल है और खाने में काफी ज्यादा लजीज होता है। लेकिन अगर आप अपने आप को संतुलित रखना चाहते हैं तो आपको बीफ से थोड़ी सी दूरी बरतनी होगी, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को भर तो देते हैं, हमारे पेट को संतुष्ट तो कर देते हैं, लेकिन हमारी सेहत को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। और इसी का सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर यूरिन एसिड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए बीफ का सेवन कम से कम करिए। अगर आप फिश का सेवन करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक तरीके से अच्छी बात है, क्योंकि फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अति किसी भी चीज को बिगाड़ सकती है, इसीलिए बहुत ज्यादा सी फूड खाने के शौकीन बिल्कुल ना बनिए, क्योंकि अगर आपने जरूरत से ज्यादा सी फूड कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो ये आपके शरीर के अंदर यूरिन एसिड की मात्रा को बढ़ा सकता है। तीसरी सबसे घातक चीज है शराब, जो हमारी किडनी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। शराब को अगर संतुलित मात्रा में पिया जाए यानी कि एक महीने के अंदर एक से दो बार बहुत ही कम मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो ये हमारे तनाव को और हमारे यौन संक्रमण को काफी हद तक दूर कर देता है। लेकिन अगर आपको रोजाना ही अनलिमिटेड शराब पीने की आदत है तो आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा शराब कंज्यूम करते हैं तो इसकी वजह से ना केवल आपकी किडनी पर प्रभाव पड़ता है बल्कि आपके शरीर के अंदर यूरिन एसिड भी काफी ज्यादा बनने लगता है। सो दोस्तों, ऐसी चीजों को कम से कम कंज्यूम करिए और हेल्दी डाइट पर फोकस करिए ताकि आपका शरीर हेल्दी रह सके और यूरिन एसिड आपके शरीर के अंदर उतनी ही मात्रा में बने जितनी मात्रा आपके शरीर के लिए आवश्यक है। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।